आज मैं आपके बीच में सेमेस्टर 5 का रिड्यूस सिलेबस 2021 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए लेके आए हैं। यह विनोबा भावे यूनिवर्सिटी ने आपको 2021 के एग्ज़ाम में आपको कुछ न कुछ सिलेबस को रिड्यूस किया गया है प्रत्येक पेपर में। देखिए आज क्या क्या पढ़ना है इस एग्ज़ाम में आपको, और कौन सा चैप्टर हटाया है, कौन सा चैप्टर जोड़ा है। देखिए आज सेमेस्टर 5 के लिए है कोर 5.1 के मतलब के सेमेस्टर 5 का पेपर 1, यानी बोल सकते हैं पेपर 11 आपका, नहीं तो बोल सकते हैं कि कोर 5.1 का मतलब हो गया कि सेमेस्टर 5 का पेपर 1, ऐसे भी बोल सकते हैं। इसमें पढ़ना था मल्टीवेरिएट कैलकुलस। देखिए मल्टीवेरिएट कैलकुलस में क्या क्या हटाया है, रिड्यूस किया। देखिए यूनिट 1 में जो है 3 क्वेश्चन पूछेगा आपको, यूनिट 1 से 3 क्वेश्चन पूछेगा। जैसे यूनिट 1 में पढ़ना आपको लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, दूसरा में पढ़ना है पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड टोटल डिफरेंशिएशन, तीसरा में पढ़ना है डिफरेंशिएबिलिटी एंड सफिशियंट कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी, और चौथा में पढ़ना है एक्सट्रीमा ऑफ ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। यानी चारों टॉपिक मिला करके टोटल आपको इससे 3 क्वेश्चन फुल क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाला है ना। और बाकी जो इसका रिड्यूस कर दिया गया है, देखिए यूनिट 2 में क्या पढ़ना है आपको लिख लिए होंगे। यूनिट 2 में पढ़ना है, इसमें 2 क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ गया फुल क्वेश्चन, जिसे पढ़ना है डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल, डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल, फिर पढ़ना चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, तो 2 पॉइंट इसमें हो गया। फिर दूसरा में पढ़ना है सरफेस एरिया, एरिया बाय डबल इंटीग्रल एंड वॉल्यूम पढ़ेंगे। वॉल्यूम का मतलब हो गया कि ट्रिपल इंटीग्रल होगा यहाँ पर, वॉल्यूम बाय ट्रिपल इंटीग्रल। तीसरा नंबर पॉइंट को यहाँ पर एक तरह से रिड्यूस कर दिया गया, यानी इतना ही पढ़ना आपको है ना। 2 पॉइंट, पहला गई डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन यह पढ़ना है, तो चेंज ऑफ ऑर्डर इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। उसके साथ साथ इसमें पढ़ना है कि एक सरफेस एरिया किसके द्वारा, डबल इंटीग्रेशन, और वॉल्यूम किसे बाय ट्रिपल इंटीग्रेशन। इतना ही पढ़ना है आपको यूनिट 2 में, जिससे आपको 2 फुल क्वेश्चन बोला गया कि आएगा एग्जाम में। अब देखिए यूनिट 3, यूनिट 3 में जो है इसे पूछेगा 2 क्वेश्चन, इसमें 2 पॉइंट पढ़ना है। पहला द ग्रेडियंट डाइवर्जेंट एंड कर्ल, इसका डिफिनेशन, इसका थ्योरम और न्यूमेरिकल सब पढ़ना है। कर्ल, फिर उसका पढ़ना है लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, और इसी में पढ़ लेना आपको ग्रीन थ्योरम। इतना ही 2 पॉइंट पढ़ना है इसमें, और बाकी को रिड्यूस कर दिया गया, यानी कि आपको यूनिट 3 से मात्र है ना 2 पॉइंट पढ़ने से 2 फुल क्वेश्चन आ जाएगा। यानी इस तरह से यूनिट 1 क्या हो गया 3 क्वेश्चन, यूनिट 2 2 क्वेश्चन, और यूनिट 3 भी 2 क्वेश्चन, यूनिट 1 2 और 3 सब मिला कितना हो गया 7 क्वेश्चन। ऐसे भी एग्जाम में टोटल कितना आता है लॉन्ग क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन होता है। पूछने का पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया गया है, बदलाव सिर्फ हुआ है तो आपको चैप्टर में हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट कोर 5.2 यानी सेमेस्टर 5 पेपर 2, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि पेपर
एक तरह से 12 हो गया। जहाँ स्टार्टिंग से गिनती करते हैं सेमेस्टर वन से पेपर पर गिनती करेंगे तो यह 12th नंबर में आता है। 5.2 सेमेस्टर 5 पेपर 2 का। इसमें पढ़ना आपको ग्रुप थ्योरी, ये वो ग्रुप थ्योरी पहले पढ़ोगे। इसमें ग्रुप थ्योरी जो है 2 के रूप में है, ग्रुप थ्योरी 2। पहले क्या था, ग्रुप थ्योरी 1 था जो सेमेस्टर 3 में पढ़े होंगे। इसमें जो है यूनिट 1 में फर्स्ट यूनिट पूछेगा जिसे आपको 3 को फुल क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। पहला नंबर रहेगा आपका ऑटोमोर्फिक, इनर ऑटोमोर्फिक, इनर ऑटोमोर्फिक। फिर रहेगा दूसरा पॉइंट ऑटोमोर्फिज्म ग्रुप, फिर ग्रुप ऑफ किसका, फिनाइट एंड इनफिनाइट साइक्लिक ग्रुप। तीसरा नंबर पढ़ना आपको एप्लीकेशन ऑफ फैक्टर ग्रुप, एप्लीकेशन ऑफ फैक्टर ग्रुप। फिर किसका फैक्टर ग्रुप टू किसका, ऑटोमोर्फिन ग्रुप्स, मोर्फिन ग्रुप्स। इस तरह से है ना आपका पूरा का पूरा इसमें एक तरह से ऑटोमोर्फिज्म ही है। ये चौथा पॉइंट है, इसमें टोटल 4 पॉइंट पढ़ना है। कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप, कोमुटेटर सब ग्रुप, सब ग्रुप एंड इट्स प्रॉपर्टीज। इसका प्रॉपर्टीज के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग। इसका यह 4 पॉइंट मिला करके टोटल आपका 3 गो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है ना यह ग्रुप थ्योरी का यूनिट 1 से पूछा जाएगा। यूनिट 1 में इतना सारा है और इसी से आपको 3 क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। इस तरह का क्या किया गया कि हर एग्जाम नंबर से बांट दिया गया, कितना नंबर से किस में आएगा सो आपको लॉन्ग क्वेश्चन लिख रही है। फिर यूनिट 2 जो है तो 2 क्वेश्चन है, इसमें जो है पहला पढ़ना है आपको प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सटर्नल ग्रुप, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट का ग्रुप, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। दूसरा नंबर पॉइंट पढ़ना है द ग्रुप ऑफ, इससे होता है मॉडलो करके पढ़ेंगे पहले भी आप है ना, तो इससे द ग्रुप ऑफ यूनिट्स मॉडलो एन, मॉडलो एन एज एन किसका, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट का, इसी का एन एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट तीसरा नंबर पॉइंट जो पढ़ना है इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट। चौथा नंबर जो है फंडामेंटल थ्योरम, थ्योरम ऑफ फिनाइट अबेलियन ग्रुप।
यानी इसमें भी आपका टोटल 4 पॉइंट है, और 4 पॉइंट मिला कितना पूछेगा, 2 फुल क्वेश्चन। यानी कि एक तरह से यूनिट 1 में आउटर मोर फिल्म के बारे में पढ़ना था, इसमें प्रोडक्ट के बारे में पढ़ना था। प्रोडक्ट में एक्सटर्नल भी हो गया और इंटरनल भी हो गया। यह यूनिट 2 था। यूनिट 3 देख लीजिए, 3 यूनिट है। यूनिट 3 में आपको भी इसे 2 फुल क्वेश्चन रहेगा आपका। इसमें रहेगा पहला नंबर क्लास इक्वेशन, एंड इसी का कौन सीक्वेंस होगा, कौन सीक्वेंसेस दूसरा कंजुगेंसी, इसमें ASN पी ग्रुप और तीसरा पढ़ना है सैलो थ्योरम। इस तरह से आपका एग्जाम में जो है ना, टोटल आपका 2 क्वेश्चन या तीनों टॉपिक मिला के पूछेगा, लॉन्ग क्वेश्चन। इस तरह से यूनिट 1 से भी 3 क्वेश्चन था, यूनिट 2 से 2 क्वेश्चन और यूनिट 3 से भी 2 क्वेश्चन, टोटल कितना हो गया, 7 लॉन्ग क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अब पूछने का पैटर्न तो पहले ऐसा है कि टोटल 7 क्वेश्चन में आपको जो है आंसर देना है कितना का, 3 क्वेश्चन का। अब देखिए, अब ऑनर्स पेपर ख़त्म हो गया एक, अब इसमें आपको जेनरिक की जगह पर जो है अब आ गया मैथ का ही एक टॉपिक है जिसका DAC बोलते हैं। इसके बारे में सिलेबस में बताया गया था आप लोगों को, DAC 1.1। सेमेस्टर 5 और 6 में भी 2 को DAC पढ़ना है, और सेमेस्टर 6 में भी 2 को DAC पढ़ना है। इसमें DAC जो है 1.1 हो गया, जिसको बोलते हैं लीनियर लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग चाहे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है ना, चाहे इसको ऑप्टिमाइजेशन इस बुक का नाम होता है इतना तरह से ना, कभी इसको यह बोलता है, कोई इसको यह बोलता है ना, तो डिफरेंट डिफरेंट नाम से ऑप्टिमाइजेशन बोलिएगा तो आ जाएगा। इसका भी बुक आता है ऑप्टिमाइजेशन का, लीनियर प्रोग्रामिंग का भी आता है, दोनों सेम ही है आपका। इसमें जो है यूनिट 1 में जो है टोटल पूछेगा 3 क्वेश्चन, यूनिट 1 जो 3 क्वेश्चन पूछेगा ना, इसका पहला पॉइंट रहेगा आपका इंट्रोडक्शन, ऑफ LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। दूसरा हो गया कॉन्वेक्स सेट एंड देयर प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज थ्योरम जो बोली है ना, प्रॉपर्टीज। तीसरा नंबर है ग्राफिकल मेथड, जो आपको 12th में भी पढ़े होंगे। चौथा नंबर है थ्योरी ऑफ सिंपलेक्स मेथड, एक मेथड है नाम है सिंपलेक्स मेथड है, जो आपका LPP जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। फॉर्म नंबर इसी में पढ़ना है सिंपलेक्स मेथड भी ऑप्टिम, दो तरह का होता है ऐसे, मान लो कि जैसे बनाएंगे ना, एक होता है ऑप्टिमलिकली, ऑप्टिमेलिटी है ना, जैसे ऑप्टिमलिटी हो गया, एक्ट हो गया अनबाउंड एंड अनबाउंडनेस। सिंपलेक्स मेथड
सिंप्लेक्स मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, जो हर बार आता है आपका। तो इस तरह से आपको चार पॉइंट पढ़ेंगे और तीन का फुल क्वेश्चन आएगा। यह DSE 1.1 के नाम से आप जानते हैं, इस सेमेस्टर फाइव के लिए है। और यूनिट टू में जो इसको है यूनिट टू में जो पूछेगा वह है ड्यूलिटी। इसका इसमें भी दो नहीं, इसमें एक ही क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एक चैप्टर पढ़ना है इसमें ड्यूलिटी केवल। ड्यूलिटी फॉर्मेशन ऑफ द ड्यूल फॉर्मेशन ऑफ ड्यूल ड्यूल प्रॉब्लम को कैसे बनाएंगे उसके लिए फॉर्मेट क्या किया गया ना उसको पढ़ना है। तीसरा पढ़ना प्रिंसिपल आइडिया तो प्राइमल बोलते हैं ना, प्राइमल ड्यूल जो निकालने के लिए होता है इस तरह से। मैंने हम लोग को ये तीन पॉइंट है, ड्यूलिटी का डिफिनेशन पढ़ना है, उसका फॉर्मेशन पढ़ेंगे और प्राइमल ड्यूल पढ़ेंगे है ना। ऐसे एक क्वेश्चन फुल क्वेश्चन आता है, एक ही चैप्टर है, ड्यूलिटी नाम इसका है। हो गया। अब यूनिट थ्री में है यूनिट थ्री में जो है एग्जामिन प्रॉब्लम है, इसे भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। एग्जामिन प्रॉब्लम एंड इट्स इसमें एक मेथड है वह पढ़ेंगे हम लोग, वह नाम है हंगेरियन हंगेरियन मेथड के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसके द्वारा हम लोग यह जो है असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला भी पढ़ेंगे कि क्या है मैथमेटिकल कंडीशन इसका है ना। इस तरह से चैप्टर है असाइनमेंट है ना प्रॉब्लम, और उसे एक क्वेश्चन फुल आता है एक ही चैप्टर से। अब चलिए यूनिट फोर जो है इसे दो क्वेश्चन एग्जाम में आ गया आपको। जो पहला नंबर है ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एंड इट्स मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे है ना कि नॉर्थ ईस्ट मेथड नॉर्थ वेस्ट मेथड है ना, नॉर्थ वेस्ट ऐसे होता है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, नाम क्या है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मतलब हो गया किसे माने कोई भी हम लोग बनाएंगे यही जो मेथड यहाँ से जब स्टार्ट करते हैं उसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। अब फिर से पढ़ेंगे लोवेस्ट कॉस्ट मेथड लोवेस्ट कॉस्ट मेथड, इसमें सबसे लोवेस्ट होता है उसको लेकर चलेंगे है ना। हो गया लोवेस्ट कॉस्ट मेथड। और उसके बाद जो है इसमें मेथड का नाम है वोगेल्स एप्रोक्सीमेशन मेथड, इस तरह से पढ़ेंगे मेथड को। फोर किसके लिए जो पढ़ते हैं या पढ़ते हैं इनिशियल वैल्यू सॉल्यूशन निकालने के लिए है ना, किसके लिए फोर स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन।
स्टार्टिंग बेसिक फेजिबल सोल्यूशन निकालने के लिए हम लोग ये सब मेथड को यूज करते हैं। इसमें एक पॉइंट और पढ़ना है, तीसरा नंबर, ऑप्टिमलिटी टेस्ट एल्गोरिदम फॉर सॉल्विंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। इस तरह से आपका यह डीएससी जो है टोटल कितना क्वेश्चन हो गया, मैंने यूनिट वन से थ्री क्वेश्चन, यूनिट टू से दो वन क्वेश्चन, यूनिट थ्री से भी वन क्वेश्चन और यूनिट फोर से दो क्वेश्चन, टोटल कितना हो गया, टोटल सेवन क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में, इसमें भी सेवन क्वेश्चन पूछने का पैटर्न जो सबका है, इसका भी सेम है। यह डीएससी 1.1 था, अब डीएससी 2 कितना हो गया देखिए, डीएससी 2.3, डीएससी दूसरा डीएससी है, 0.3 मतलब कि 2.1 भी होगा, 2.2 भी होगा, 2.3 भी होगा, तो चॉइस करना पड़ता है अलग अलग यूनिवर्सिटी में, लेकिन यहाँ पर जो चॉइस करता है वह 2.3 वाला चॉइस करता है, जिसका जिसमें पढ़ना है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स इसमें जो है यूनिट वन से वन टोटल कितना चार क्वेश्चन पूछेगा यूनिट वन से, दो यूनिट इसमें है, पहला है सिंप्लेक्स नहीं सैंपल स्पेस एंड प्रोबेबिलिटी जो है एग्जाम्स होता है क्या रूल होता है कुछ है ना कंडीशन उसको पढ़ना है, कि दूसरा है रियल रैंडम वेरिएबल, इसमें दोनों पढ़ना है आपको, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस दोनों पढ़ना है, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस बताया जाएगा दोनों में क्या अंतर है से कंटिन्यूअस। तीसरा नंबर पढ़ना आपको कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पढ़ना है। फोर नंबर पढ़ना है प्रोबेबिलिटी मास, मास डेंसिटी फंक्शन और मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन पढ़ना है और मोमेंट पढ़ना है, इसमें इतना सारा पढ़ना है। देखिए आगे हम इसको बताते हैं, इसमें जो है फाइव नंबर में इसमें पढ़ना है आपको मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन मोमेंट भी पढ़ेंगे, इसमें मोमेंट भी पढ़ेंगे। चौथा नंबर पचपन नंबर पढ़ना आपको मोमेंट जेनरेटिव फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन। सिक्स नंबर पढ़ना है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन आया वो होता है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अंतर्गत पढ़ेंगे यूनिफॉर्म बायनोमियल
पॉइजन जितना पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, और जो है इसमें सेवन नंबर में कंटिन्यूस जो है डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत पढ़ेंगे यूनिफॉर्म नॉर्मल एक्सपोनेंशियल इतना तरह से। फिर यूनिट जो इसमें दूसरा यूनिट जो है इसे तीन क्वेश्चन पूछ रहा है, ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन इनका पढ़ना है, ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन में ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ही पढ़ेंगे। ठीक पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फंक्शन तीसरा में पढ़ना है, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हो गया, मार्जिनल मार्जिनल एंड कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन दोनों पढ़ना है, मार्जिनल और कंडीशनल। फिर इसी में पढ़ेंगे हम लोग, लिख लेंगे आप लोग चौथा नंबर में पढ़ेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ फंक्शन ऑफ टू रैंडम वेरिएबल, फंक्शन ऑफ टू रैंडम वेरिएबल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है इस एग्जाम में। फाइव नंबर कंडीशनल एक्सपेक्टेशन पढ़ना है, इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल इसी में इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, सिक्स नंबर में बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन इसी में पढ़ेंगे, कोरिलेशन में पढ़ेंगे कोफिशियंट, इससे भी एक क्वेश्चन आता है हर साल। फिर इसी का रैंक पढ़ेंगे, रैंक कोरिलेशन कोफिशियंट कोरिलेशन कोफिशियंट कोवेरियंस लीनियर रिप्रेजेंटेशन टेशन फॉर टू वेरिएबल टू वेरिएबल्स, इस तरह से आपका इस तरह से आपका यहाँ पर DSE 2 भी है कंप्लीट हो गया। यानी जितना टॉपिक बताए हैं यह टॉपिक आप लोग को पढ़ना ही पढ़ना है, और इसी से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, यानी कि DSE 2 जो है आपका 2.3 जो है इसे आपको दो यूनिट है, यूनिट 1 से 4 क्वेश्चन था और यूनिट 2 से 3 क्वेश्चन था। यह सिंगल वेरिएबल के लिए है और ये ज्वाइंट के लिए है, इस पर ज्वाइंट नहीं रहेगा, इसमें क्या ज्वाइंट रहेगा आपका है ना, एक सकते इसमें क्या एक्स वाई दोनों रहेगा अंतर ये। इसमें चलो 7 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, लॉन्ग क्वेश्चन इसमें तुमको बना रहता है जानते हो पहले से आप। तो हम आपके बीच में जो कट सिलेबस था रिड्यूस सिलेबस 2021 के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है सेमेस्टर 5 का है ना, उसके लिए बताए हैं। और आप लोग क्या कीजिए, इसको अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें,
ताकि आपका जैसी इसमें 100 टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम से पहले डाला जाएगा, ताकि आपका मोबाइल में पहुंच सके। लोगों को मदद करें, हेल्प करें। फिर मिलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।